चलो मैं अपने आपको फोन लगाता हूँ इस फोन से इस फोन के ऊपर। ओके रिंग जाना शुरू हो गई है, लेकिन इस कॉल को मैं अटेंड नहीं करूंगा। मैं अपने AI असिस्टेंट को बोलूंगा कि इस कॉल को मेरे बिहाफ पे अटेंड करे और देखते क्या होता है। Hi there. The person you're calling is using a digital secretary. May I ask who's calling and the reason for the call? I'll see if they're available. I am a telemarketer and this is a spam call to sell you something. Okay, please hold. I'll be right with you. और ये मेरी स्क्रीन पर आ गया कि स्पैम कॉल है और मुझे इसे रिजेक्ट करना है। लेकिन सवाल आता है कि आखिर ये हुआ कैसे, यानी कि मैंने एक फोन से दूसरे फोन पे कॉल उठाया और दूसरे फोन पे मैंने आंसर नहीं दिया, मेरे AI असिस्टेंट ने आंसर दिया, लेकिन फिर भी जो सारी बातें हो रही थी वो सारी की सारी मैं देख पा रहा था और उसके बाद मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि जो अननोन नंबर से कॉल आई है ये सच में अर्जेंट कॉल है या फिर फालतू स्पैम कॉल है। अभी टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है और कैसे आप इसका यूज कर सकते हैं, चलिए पता लगाते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो ये फीचर है ट्रू कॉलर असिस्टेंट, जिसके अंदर आपको एक स्मार्ट कॉल स्क्रीनिंग की फंक्शनलिटी देखने को मिलती है। यानी कि सिंपल भाषा मतलब ये कि अगर एक फोन से दूसरे फोन पर कॉल लगाया जाएगा, जहां पे अगर कॉल रिसीव हो रही है तो वहां पे जो कॉल अटेंड की जाएगी ना वो ट्रू कॉलर असिस्टेंट करेगा और आपके बिहाफ पे बात करेगा। यानी कि प्रॉपर AI उन्होंने यहाँ पे सेटअप कर रखी है, स्मार्टली कॉल को आंसर भी कर सकती है और आपको ये बता सकती है क्या वाकई में एक स्पैम कॉल है या फिर एक अर्जेंट कॉल है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि कॉल को रिजेक्ट करना है कि एक्सेप्ट करना है। और ये फंक्शनलिटी अवेलेबल है ट्रू कॉलर के प्रीमियम असिस्टेंट प्लान और प्रीमियम गोल्ड प्लान के अंदर। और जो ट्रू कॉलर की फेमस कॉलर आईडी सर्वर जो स्पैम ब्लॉकिंग है ना उसके साथ कंबाइंड होके ना आपका टाइम तो यहाँ पे काफी बचा सकती है। लेकिन आखिर ये चीज यहाँ पे काम कैसे करती है? देखो बेसिकली अगर ट्रू कॉलर असिस्टेंट को अगर यहाँ पे सेटअप करना है ना, इसके अंदर बेसिकली क्या हो कि आपके मोबाइल फोन की जो कॉल है ना वो आगे फॉरवर्ड की जाएगी। मान लीजिए मैं जियो सिम का यूजर हूँ और मेरे को बस ट्रू कॉलर में सिलेक्ट करना है कि मैं अपनी जियो सिम का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और उसके बाद अगर मैं कॉल स्क्रीनिंग की फंक्शनलिटी का यूज करता हूँ तो उसके बाद मेरी जो कॉल होगी ना वो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगी ट्रू कॉलर के सर्वर तक। यानी कि एक AI है जो उनके सर्वर्स में है, क्लाउड में है, वहां पे उस कॉल को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और उसके बाद जो AI होगी वो कॉलर से यहाँ पर बात करेगी। ट्रू कॉलर के जो एडवांस AI है, मशीन लर्निंग है, जो स्पीच टू टेक्स्ट है उसका यूज करके जो सारी ट्रांसक्रिप्ट होती है वो मैं अपने मोबाइल फोन पे यहाँ पे देख पाऊंगा और उस समय अगर मेरे को लगे कि कॉल वाकई में अर्जेंट है या कोई इंपॉर्टेंट पर्सन मेरे को कॉल कर रहा है तो मैं इसका यहाँ पे आंसर दे सकता हूँ। सिंगल क्लिक में जो कॉल है वो आप तुरंत अटेंड भी कर सकते हो यहाँ पे। और मान लीजिए मैं बिजी और कॉल अटेंड नहीं करना चाहता तो सिर्फ एक क्लिक करके इस कॉल को AI असिस्टेंट को ट्रांसफर कर सकता हूँ और इसी के साथ ही आपकी जो कॉल है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी और उसे बाद में यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। लेकिन सब इतनी चीज नहीं है, यहाँ पे अपने जो AI असिस्टेंट होता है ना उसकी वॉइसेस भी आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेल लेके फीमेल तक मल्टीपल वॉइसेस आपको देखने को मिलती है और उसमें से जो वॉइस आपको पसंद है उसको आप अपना असिस्टेंट रख सकते हैं और इसी के साथ ही हिंदी स्पीकिंग असिस्टेंट की वॉइसेस को भी यहाँ पे ऐड किया जाने वाला है। और बात करें लैंग्वेज सपोर्ट की तो ये सपोर्ट करता है हिंदी इंग्लिश के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज को भी। इसके साथ ही अगर आपको कोई कस्टम मैसेज यहाँ पर चाहिए, यानी कि कोई स्पेसिफिक मैसेज रखना चाहते हैं जैसे कि आपको कोई कस्टम ग्रीटिंग मैसेज रखना है या फिर अगर आप कोई प्रोफेशनल है या फिर बिजनेस ओनर है या रेस्टोरेंट ओनर है उस हिसाब से कोई डेडिकेटेड मैसेज रखना है ना तो उन लोगों की काफी मदद कर सकता है। और ये जो सर्विस है ना बिजनेस पीपल और प्रोफेशनल इनके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। जैसे की बात करें डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, CEO हो गए, कोई रेस्टोरेंट ओनर हो गया, कोई शॉप ओनर हो गया, इनको दिन में कई सारी कॉल्स आती है और कोई भी कॉल यहाँ पे जरूरी हो सकती है। किसी को क्लाइंट मिल सकता है तो किसी को कस्टमर मिल सकता है और जो कोई भी प्रोफेशनल होता है ना वो अपने बिजनेस रिलेटेड कोई भी कॉल को मिस करना नहीं चाहेगा और वहाँ पे सर्विस का यूज कर सकता है वो, ताकि वो कोई भी इंपॉर्टेंट कॉल को मिस ना करे, उसका AI असिस्टेंट उसके बिहाफ पे कॉल को अटेंड कर ले और बाद में देख ले ये जो कॉल आई थी वाकई में कितनी यूजफुल थी और इस हिसाब से वो डिसीजन ले सकता है कि सामने वाले पर्सन से कनेक्ट करना है या नहीं करना। तो यार ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे आज के समय मार्केट में स्पैम कॉल्स काफी ज्यादा बढ़ गई है ना, उनसे लड़ने का एक और एड ऑन आ गया, मतलब कि ऑलरेडी हमारे पास कॉलर आईडी तो स्पैम ब्लॉकिंग थी, लेकिन इन सबसे एक और फिल्टर यहाँ पर आ गया कि आप तक है ना सिर्फ और सिर्फ जरूरत की कॉल्स पहुंचे, जो फालतू की स्पैम कॉल्स होती है ना वो यहाँ पे पहुंचे नहीं। और AI भी अब इस लेवल पे पहुंच गई कि वो आपके बिहाफ पे आपकी कॉल्स को भी आंसर कर सकती है। बाय द वे आप लोगों को इस टाइप का AI असिस्टेंट कैसा लगा जो आपके फोन कॉल्स को आंसर कर दे, ये बात नीचे कमेंट बताओ। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए, मैं आप सुनता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।